वेलकम फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में पूजा करते हैं। ये जगह गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर सरिया तिवारी नामक गांव के पास। यहाँ के शिव का नाम झारखंडी शिव है। एक कथा के अनुसार, इतिहास के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने इस स्थान को तोड़ने की भी कोशिश की। हालांकि वहाँ पे मंदिर नहीं था, भगवान शिव का लिंग ही था। उसको उखाड़ फेंकने की मोहम्मद गजनवी ने बहुत कोशिश की थी। और ये यही मोहम्मद गजनवी था जिसने सोमनाथ मंदिर को भी, मोहम्मद गजनवी की कोशिश के बावजूद भी वहाँ के शिवलिंग को वो उखाड़ नहीं पाया था। इसलिए उसका अहंकार जागृत हुआ था और अहंकार में उसने वहाँ पे एक उर्दू में एक मुस्लिम कलमा लिखवा दिया। वो कलमा क्या था? ला इल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद मद्दुर रसूलुल्लाह। ये कलमा उसने वहाँ पे लिखवा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंदू वहाँ पे जाके पूजा ना कर सके। लेकिन अफसोस की ये बात है कि आज भी वहाँ पे वो शिवलिंग की पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम्स वहाँ पे जाके इबादत भी करते हैं, अल्लाह की बंदगी भी करते हैं। मंदिर के पुजारी आनंद तिवारी और काजी वलीउल्लाह के अनुसार बहुत बार इन लोगों ने उस मंदिर की छत बनाने की कोशिश की, लेकिन एक भी बार वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। लोगों की मान्यता यह है कि झारखंडी शिव खुले में रहना ही पसंद करते। वहाँ पे एक गोखला सा है जिसको हम चौराहा बोलते हैं, और चौराहे के पास एक जगह पे पानी की धारा बहती है। कहा जाता है कि उस पानी की धारा को स्पर्श करने से एक राजा का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया था। तभी से वहाँ पे श्रद्धालु लोग हर शनिवार, मंगलवार और रविवार इन तीनों दिन आकर दो या तीन मंगलवार को अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार स्नान करते हैं। कहते हैं कि इससे उन लोगों के चर्म रोग जो होते हैं, जो स्किन डिसीज होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ वो कमेंट लिखिए ताकि आप ऐसे बहुत सारे रहस्यों को जान पाए। धन्यवाद।